हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपेंडेक्टमी। ठीक है, ये प्रोसीजर्स एक्चुअली, अगर जैसे अपेंडिसाइटिस 15 मार्क्स के लिए आता है तो आपको अपेंडेक्टमी जो सर्जरी है वो लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम करते हैं अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी जब भी आप कोई सर्जरी लिखते हो, जैसे सर्जरी के उसमें कोई भी किसी भी टाइप की सर्जरी लिख रहे हो, तो आप उसको एग्जाम में लिख के आते हो तो आप थ्री पार्ट्स में जैसे उसको लिखते हो, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड द पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑप। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपेंडेक्टोमी को भी पढ़ेंगे। पहले आता है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में क्या है, पेशेंट को निल बाय माउथ रखना है। ठीक है, निल बाय माउथ रखते हैं 4 से 6 घंटे पहले तो। ठीक है, फिर उसके जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सारे करा के देखने हैं, उसको मेडिकेशन जो हम चलाते हैं, ठीक है, वो सब जो मैंने आपको जैसे जो अष्टविध कर्म या फिर त्रिविध कर्म जहां पे बताया था, उससे पहले जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर थे वो सारे आएंगे। पेंटिंग एंड ड्रैपिंग ऑफ द पार्ट, एनेस्थीशिया, ये उसके कोई भी टेस्ट करा के देख रहे हैं, नील बाय माउथ रख रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक भी शुरू ही पहले से ही करते हैं ताकि सर्जरी में मतलब उसको इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए तो वो सारे प्रोसीजर्स आएंगे हमारे प्री ऑपरेटिव में। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम पेशेंट को, या तो जनरल एनेस्थीशिया देते हैं या फिर स्पाइनल एनेस्थीशिया देते हैं। ठीक है, तो आप अलग से पॉइंट डाल सकते हो कि एनेस्थीशिया में कौन सा, जनरल या फिर स्पाइनल, और फिर आती है पोजीशन कौन सी, या सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाते हैं। ठीक है, फिर उस पार्ट है जो उसकी पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग ऑफ द पार्ट। पेंटिंग कहां से कहां करते हैं, जो जिफॉइड प्रोसेस होता है, जिफॉइड प्रोसेस होता है स्टर्नम का, उससे लेके, जिफॉइड प्रोसेस है तो अपर थाई तक, इंक्लूडिंग द जेनाइटल्स। ठीक है, जेनाइटल रीजन है वो भी। आपने पेंटिंग कर दी, ड्रैपिंग कर दी, फिर आइसोलेशन करते हैं पार्ट का। ठीक है, जिस पार्ट पे हमें सर्जरी करनी है सिर्फ वो ही विजिबल है, बाकी को हम जैसे ढक देते हैं, दैट इज आइसोलेशन ऑफ द पार्ट। फिर परमिशन लेनी है एनेस्थेटिस्ट की सर्जरी शुरू कर दे। ठीक है, देन वी कम टू द ऑपरेटिव प्रोसीजर। ऑपरेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हमें इंसीजन लेना है। ठीक है, इंसीजन कौन सा इंसीजन लेंगे हम, मैंने आपको बताया अष्टविध शस्त्र क्रम में जहां हमने पढ़ा था कि या तो हम देते हैं मैकबर्नेज इंसीजन देते हैं या फिर देते हैं लेंस इंसीजन। ठीक है, इंसीजन देने के बाद कहां इंसीजन देंगे, पहले तो स्किन कट होगी, तो मैं पहले सीक्वेंस में लिख रही हूं, पहले तो स्किन कट होती है। ठीक है, कटिंग द स्किन, स्किन को कट करने के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू को, इंसीजन इज फर्स्ट मेड ऑन द स्किन देन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर जो भी वेन्स आई हैं बीच में उनको लाइगेट करते चलना है, लाइगेशन ऑफ द वेन्स। ठीक है, उनकी कर दी लाइगेशन, देन जो हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है, उन पे इंसीजन देना, उनको कट करना है, देन मसल लेयर आएगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, देन कट द मसल्स, और जो भी ब्लीडर्स हैं बीच में, जो जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है उनको साथ से साथ लाइगेट या कॉटराइज करते चलना है। ठीक है, देन मसल आ गई, देन आइडेंटिफाई द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसमें इंसीजन देना है। ठीक है, स्मॉल इंसीजन देना है,
जैसी पेरिटोनियम आपको एक्सपोजर हुआ, आपने उस पर इंसिजन दिया, तो अंदर के जो भी पार्ट्स होंगे वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन हो गई, तो आपने इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को पहचानना है? अपेंडिक्स को पहचानना है। तो अपेंडिक्स को एकदम तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो आपको पहले सीकम को आइडेंटिफाई करना है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। सीकम को आपने पहचान लिया, देन यू हैव आइडेंटिफाई द अपेंडिक्स की किसी के साथ लगाया। अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई करके उसको आपने फोर्सेप्स से होल्ड कर लेना, फोर्सेप्स से होल्ड करना है। एक तो करना है टिप ऑफ द अपेंडिक्स एंड द बेस ऑफ, दो जगह से, टिप एंड द बेस होल्ड करके जो हमारा सीकम है इस पे हमने देना है पर्स सिंग स्ट्रक्चर। जैसे सपोज ये एरिया है कोई भी, पर्स सिंग स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हमने इसको पूरा यहां से सूचर लिया और फिर ये खींच देते तो ये बंद हो जाएगा ना, वो होता है पर्सिंग सूचर। तो हमने वो सूचर सीकम पे देना है ताकि वो एरिया बंद हो जाएगा। पर्सिंग सूचर सीकम पे देने के बाद ये जो सीकम है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सीकम अपेंडिक्स से लगा है, ठीक है। ये आगे जैसे पार्ट है ये लगा है, तो इस पे आपने पर्सिंग सूचर दे दिया, इस चीज को बंद करना है क्योंकि हम इसको कट करेंगे। एक फोरसेप से यहाँ होल्ड कर रखा है, एक से आपने यहाँ करके यहाँ पे आपने पर्सिंग सूचर दे दिया। जो ये दो आपने फोरसेप यहाँ किए हैं इससे कट कर देना, ठीक है। अपेंडिक्स को यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद सीकम को ऐसे ही जो कैविटी है उसमें पुट करना है। फिर हमने अब जैसे ही हम जा रहे थे अपने प्रोसीजर पे वैसे ही वापिस आना है, उन सभी चीजों को बंद करते हुए आना, ठीक है। तो सीकम को तो हमने पर्सिंग सूचर से बंद कर दिया, ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सीकम के बाद फिर हमने पेरिटोनियम को कट किया था ना, मतलब इससे पहले, तो पेरिटोनियम को हमने क्लोज करना है बाय कॉन्टिन्यूस लॉकिंग सूचर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया था, जैसे ये दो स्किन सरफेस है तो इसपे कॉन्टिन्यूस ही चले जा रहे हैं हम, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस लॉकिंग में क्या होता है, जैसे ही हम इसको ये ऐसे निकालते हैं तो इसके सपोज हम ये है यहां से ऐसे ले जाए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर, ये तो हमारा चलता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में जब हम इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो हम पिछले वाले में से निकाल लेते हैं, वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूस लॉकिंग सूचर, ठीक है। देन वी कम टू द मसल्स, मसल्स पे हमने देना है इंटरप्टेड सूचर। फिर हमारी आगे एक्सटर्नल ऑब्लिक और एपोन्यूरोसिस पे ब्लैंकेट सूचर दे सकते हैं, ब्लैंकेट सूचर देना है। देन वेन तो लाइक इट करते ही चले थे, फिर जो आजकल तो जो हम देते हैं मतलब कॉस्मेटिक पर्पस से सबक्यूटेनियस पे ही आके खत्म हो जाता है कि सबक्यूटेनियस सूचर देते हैं, फिर इसको स्किन को तो हम एडहेसिव टेप से जोड़ दिया तो वो अपने आप हो जाता है, लेकिन सबक्यूटेनियस पे हम जो है वो वर्टिकल इंटरप्टेड सूचर दे सकते हैं, फिर स्किन को भी हम सूचर करेंगे, ठीक है। और स्किन पे सूचर कर दिया तो उस पार्ट को क्लीन करके और ड्रेसिंग अप्लाई करनी है वहां पे, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया ऑपरेटिव प्रोसीजर। देन वी कम टू द पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव में भी पेशेंट को नील बाय माउथ रखना है क्योंकि हमने उसको एनेस्थीशिया दिया है। एनेस्थीशिया दिया तो उसकी बाउल मूवमेंट नहीं होंगी, और जब तक बाउल मूवमेंट होंगी नहीं तब तक उसको हमें कुछ खाने को नहीं देना, ठीक है। नील बाय माउथ रखना है पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स चलानी है, एनर्जेसिक्स चलानी है, और जैसे ही सूचर वाला जो एरिया वो हील होता है तो हमने सूचर को कट कर देना है, ठीक है। ये पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में आगे, तो जो ये अपेंडेक्टमी में ऑपरेटिव है ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहले स्किन कट की है, स्किन में इंसिजन दिया है, फिर सबक्यूटेनियस, देन एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्किन।
सेकंड इज सबक्यूटेनियस, थर्ड इज ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस, और जो ये वेन्स वगैरह आएंगी इनको तो लाइगेट करते ही चलना है हर किसी के साथ, ठीक है। फोर्थ आता है हमने मसल लेयर को इनसीजन किया था, फिर हमने पेरिटोनियम को आइडेंटिफाई करके उसमें इनसीजन दिया है, देन हमने सीकम को इनसाइज किया था, मतलब सीकम को आइडेंटिफाई किया था, फिर अपेंडिक्स को किया था, लास्ट में सेवंथ पॉइंट पे हम पहुंच गए अपेंडिक्स पे, फिर इसको फोर्सेप्स से होल्ड किया टिप और बेस से, फिर हमने सीकम में पर सिंग सूचर लगाया था, और फिर इन दो जो हमने ये होल्ड किया इनके बीच में से कट कर दिया था अपेंडिक्स को, और सीकम को फिर से उस कैविटी में रखा, पर सिंग सूचर लगाया, ठीक है, ये ऐसे लगा के और उसको बंद कर दिया। फिर आता है पेरिटोनियम में हमें कॉन्टिन्यूस लॉकिंग सूचर लगाए, मसल में इंटरप्टेड एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक में ब्लैंकेट, फिर सबक्यूटेनियस और स्किन, फिर ड्रेसिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपेंडेक्टमी, थैंक यू।